went down here. Yeah. Photo lene do, photo lene do. हाँ आने तो दो आने तो दो अरे कितना धक्का मत दो प्रिया जी, आप वोटिंग करके आई हैं, क्या उम्मीद लग रहा है? वोटर्स किस तरीके से मतदान केंद्रों में आ रहे हैं, उम्मीद क्या? अभी तो शुरुआत है, अभी पूरा एरिया घूमूंगी, देखूंगी किस तरह का वोटर टर्नआउट है। एक बार फिर मैं अपील करना चाहती हूँ सबसे कि घर से निकल के आज प्लीज वोट देने जरूर जाएं। पिछली बार यहाँ पर आज वातावरण काफी अच्छा है, लोग सुबह से काफी जी 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 अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी 9 बजे है, 9:15 बजे और 7 बजे से आई थिंक शुरू है ये, और लोग यू नो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आ रहे हैं वोट करने, तो अच्छा लगता है ये। हमने तो सुना कि लोग मॉर्निंग वॉक करके सीधा जी प्रिया जी जो हमने देखा है प्रिया जी जो हमने देखा है कि यहाँ पर जी यस बट इट ऑलवेज हैपेंस अर्ली इन द मॉर्निंग वेयर मोस्टली इट्स ईदर मॉर्निंग वॉकर्स सीनियर सिटीजंस हु कम आउट टू वोट. We hope the youngsters wake up soon early and you know get to vote first. Many celebrities in this area who have actually traveled to yeah. आपको लगता है कि वो इफेक्ट करेगा आपके नेशन और जॉब पर? I always feel that you know this is something which I think everybody must exercise. This is your right, and no matter what, I know people who have come back just to vote and go back. You know, and I think we need to realize the importance of even one vote. Priya ji, last election जो है, last election आपने जबरदस्त वोट से आपने जीत हासिल की थी, इस बार क्या उम्मीद है? कड़ी टक्कर लग रही है? देखिए, हर election एक टक्कर ही है. Nothing is easy, and I think हर election में चुनौती है. और मैंने कभी अपने बारे में predict नहीं किया कि you know क्या होने वाला है. मैं हमेशा कहती हूँ कि ये लोगों के ऊपर निर्भर है. And people will decide. I have worked very hard, and I have received a good response during my campaign. मेरे brother-in-law, sister, मेरी दो nieces, मेरी brother's wife, सब आएंगे. प्रिया, संजय दत्त इस बार नहीं है, आप उनसे सुबह में कुछ निकलने से पहले बात बात हुई है क्या? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हाउ वुड आई स्पीक टू हिम. नहीं, उनका कुछ यहाँ जब आप आ रही थी या इलेक्शंस को लेकर इस बीच में कुछ बातचीत हुई उनसे? किस तरह का सपोर्ट है? ऑफ कोर्स हमेशा, बिकॉज़ हम लोग साथ में भी आते थे. प्रिया जी सवाल ये है कि मुंबई एक महानगर है और यहाँ पर लोग ज्यादा जागरूक होना चाहिए. पिछला चुनाव जो है 40-41% से वोटिंग हुई थी, इस बार क्या उम्मीद है? आप लोगों को क्या बोलेंगे? युवाओं की भीड़ कम आ रही है. मैंने हमेशा यही कहा है कि हम मुंबई में बहुत एक्टिविज्म है, बहुत आई थिंक अवेयरनेस है, लेकिन जब वोट देने का टाइम आता है बहुत कम लोग वोट निकलते हैं. तो हमें थोड़ी सी, अगर वोटिंग सबसे बड़ी एक्टिविज्म होती है मेरे हिसाब से, अगर आपको यू नो चाहते हैं कि आपके जो कंप्लेंट्स हैं आर एड्रेस्ड एंड यू नो थिंग्स मूव अहेड इन द डायरेक्शन यू वांट, एंड आई थिंक यू हैव टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट. दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. तो मैं अपील करती हूँ एक बार फिर सबको, स्पेशली यंगस्टर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स को, कि बाहर निकल के वोट ज़रूर दीजिए. थैंक यू. Yeah, man.